आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाना सिखाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है, बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। डोरमेट में किसी प्रकार की कोई झोल नहीं है, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। आज हम दो कलर की दो पटिया ली है, दोनों पटिया साड़ी की ली गई है। इन पट्टियों की चौड़ाई 3 इंच ली गई है। दोनों पटिया के हिस्सों को लेते हैं, इससे पर एक नोट लगाकर एक लूप बना लेते हैं। इस प्रकार से नोट लगाकर एक लूप बना लेते हैं। इस प्रकार से एक लूप बना लेते हैं। अब लूप के अंदर से साड़ी की पट्टी को निकालते हैं और एक लूप बना लेते हैं। साड़ी की पट्टी निकालते हैं और एक लूप बना लेते हैं। इस प्रकार से करते हुए एक रस्सी की गुथाई कर लेते हैं। यहाँ पर 20 नोट लगाकर मैं एक रस्सी की गुथाई कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। इस प्रकार से 20 नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई कर लेते हैं। इस प्रकार से 20 नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई कर ली गई है। लास्ट में जो लूप बनी होती है उसके अंदर से साड़ी की पट्टी निकाल लेते हैं, बाहर की ओर निकाल लेते हैं। और उसको टाइट कर देते हैं। इस प्रकार से रस्सी को क्लोज कर देते हैं। अब एक रस्सी को सपोर्ट में रखेंगे, रस्सी के पास में एक रस्सी को सपोर्ट में रखेंगे एक पट्टी को, और एक पट्टी द्वारा डोरमेट की गुथाई करेंगे। अब इसमें एक फंदे को छोड़ते हुए दूसरे फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। एक फंदे को छोड़ते हुए अगले फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए यहाँ तक एक लाइन पूरी कर लेते हैं। एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए यहाँ तक लाइन पूरी कर चुके हैं। लास्ट में एक फंदे में दो फंदा निकाल रहे हैं।
इस प्रकार से एक लाइन पूरी कर लेते हैं। अब डोरमेट को पलट देते हैं। अब ग्रीन कलर की रस्सी को सपोर्ट में रखेंगे और पिंक कलर की रस्सी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। अब गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। ना गैप बना हुआ है बीच में, गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में गैप वाले फंदे में स्थान पर एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए गैप वाले स्थान पर और इस प्रकार से चार पांच राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से छह सात राउंड लगा चुके हैं। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनता हुआ आ रहा है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक मोटा डोरमेट बनकर तैयार होता है। लास्ट में कोने पर एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। डोरमेट को इस प्रकार से पलट देते हैं और पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब सपोर्ट में ग्रीन कलर की पट्टी को रखेंगे और पिंक कलर की पट्टी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। कोने में इस प्रकार से अंगुली रख लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं। जिससे कोना निकल जाता है। गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। इस प्रकार से जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हो उतना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हो। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।